हाय फैमिली, वेलकम टू SMT गाइस। आई एम चैम्पियन महावर एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज सेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे ट्रेड किया जाता है, राइट? तो रेंजिंग मार्केट का पता है क्या होता है? रेंजिंग मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है, वो ना वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो सीधा चलता रहता है। तो लोग क्या करते हैं रेंजिंग मार्केट में, पीपल बाय एट सपोर्ट लेवल एंड सेल एट रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज दे नो फ्रॉम सपोर्ट मार्केट इज गोइंग अप एंड फ्रॉम रेजिस्टेंस मार्केट इज गोइंग डाउन। जैसे रेंजिंग मार्केट है तो उसमें सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस से मार्केट वापस सपोर्ट के पास आता है, वापस से सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास, वापस से रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, वो लोग सीधा सपोर्ट पे, जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आएगा वहां पे सीधा बाय कर देंगे, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा वहां पे सीधा सेल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, नीचे आया सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे वो बाय करेंगे, राइट? एंड जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाएगा वहां पे सेल करेंगे, वापस सपोर्ट पे आएगा वापस बाय करेंगे, वापस रेजिस्टेंस पे जाएगा वापस सेल करेंगे, राइट? मार्केट एग्जीक्यूशन करेंगे, फ्यूचर के लिए एंट्री नहीं लगाएंगे, सीधा एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे सपोर्ट पे सीधा बाय, जैसे रेजिस्टेंस पे सीधा सेल, राइट? तो इस तरह से रेंजिंग मार्केट में लोग बाय सेल दोनों साथ में करते हैं, सपोर्ट पे बाय रेजिस्टेंस पे सेल, राइट? दोनों साथ में होता है। तो इससे तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू रेंजिंग मार्केट में लोग बाय और सेल दोनों कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसका चार्ट एग्जाम्पल भी शो करती हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट लगभग लगभग रेंजिंग जैसा कर रहा है, राइट? इसको हम अपना रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, राइट? और नीचे हम इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट बार बार टच कर रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट कंसीडर हो गया। ओके, तो यहाँ पे मार्केट देखो रेंजिंग कर रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, सपोर्ट से वापस रेजिस्टेंस पे चले गया, राइट? तो अब क्या करेंगे लोग, देखो तो रेजिस्टेंस से वो सीधा अपना सेल एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है रेजिस्टेंस से मार्केट सपोर्ट के पास आएगा, तो वो सीधा यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? स्टॉप लॉस लगाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मान लो यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस यूज लेंगे और टेक प्रॉफिट लगाएंगे सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट सपोर्ट के पास ही आएगा, राइट? तो यहाँ पे मान लो वो अपना टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं। तो इस तरह से लोग जैसे ही रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे सीधा सेल कर लेंगे, राइट? तो अब देखो मार्केट करता क्या है, उसके बाद देखो मार्केट वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पे देखो सपोर्ट को टच किया। ओके, वो अब उन्हें पता है सपोर्ट पे आ चुका है मार्केट, राइट? जैसे कि आपको दिख ही रहा है, तो सपोर्ट पे है मार्केट, तो वो सपोर्ट पे सीधा बाय कर लेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल हो गया, अब सपोर्ट पे मार्केट आ गया, तो अब वहां पे वो बाय करेंगे, यहाँ पे वो बाय एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट? सेल का तो हो गया उनका, यहाँ पे वो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस वही सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे सपोर्ट के नीचे, एंड टेक प्रॉफिट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे मान लो यहीं पे टेक प्रॉफिट लगाएंगे वो लोग, राइट? एंड देन देखो फिर मार्केट करता क्या है, ऊपर जा रहा है मार्केट, उनकी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी उन्होंने, और फिर देखो मार्केट ने जाकर के टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया। तो इस तरह से जब मार्केट रेंजिंग कर रहा होता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे पहुंचते ही सेल, सपोर्ट पे पहुंचते ही बाय, बाय सेल दोनों चल रहा होता है उन लोगों का, राइट? तो इस तरह से रेंजिंग मार्केट में बीच में लोग ऐसे बाय सेल करते हैं। एक और तरीका होता है लोगों का रेंजिंग मार्केट में बाय करने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू बाय और सेल, राइट? वो क्या तरीका होता है रेंजिंग मार्केट में बाय सेल करने का सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक इन डिटेल्स में बताया ही है कि ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो रेंजिंग मार्केट में अगर ऊपर ब्रेक हो रहा है अच्छा वाला, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर मूव करेगा, नीचे ब्रेक हो रहा है मार्केट तो कंटिन्यू नीचे मूव करेगा। तो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी। कुछ लोग इस तरह से बाय सेल नहीं कर रहे होते, सपोर्ट पे बाय रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय रेजिस्टेंस पे सेल, ऐसे नहीं कर रहे होते, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बाय सेल देखते हैं। तो एक ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो फिर क्या होता है, माना जाता है कि वो जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना, मार्केट वहीं तक रिटेस्ट करेगा, इसी रेजिस्टेंस तक रिटेस्ट करेगा, एंड देन फिर वापस ऊपर जाएगा। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही
रेंजिंग मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वो उस रेजिस्टेंस पे सीधा बाय एग्जीक्यूट कर देंगे, बाय लिमिट फ्यूचर के लिए, राइट। स्टॉप लॉस होगा उनकी एंट्री के नीचे, बाय की एंट्री के नीचे, लगभग रेंजिंग जो हो रहा है उसके बीच में उनका स्टॉप लॉस होगा। टेक प्रॉफिट वो कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि अब मार्केट कंटिन्यू पर मूव करेगा, राइट। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब ब्रेक होता है रेंजिंग मार्केट में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बाद लोग बाय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऊपर ब्रेक हुआ तो मतलब ऊपर कंटिन्यू मूव करेगा, तो इस तरह से वो सीधा रेजिस्टेंस पे बाय एग्जीक्यूट कर देंगे, ओके, एज वेल एज डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे नीचे ब्रेक किया है सपोर्ट को, तो यहाँ नीचे सपोर्ट ब्रेक किया है मतलब नीचे जाएगा मार्केट। तो अब नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया है तो हायर चांसेस है मार्केट इसी सपोर्ट तक रिटेस्ट करे, इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना करके नीचे कंटिन्यू मूव करे। तो फिर वो क्या करेंगे, सपोर्ट पे सेल एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे वो सेल एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस होगा सेल के ऊपर और टेक प्रॉफिट होगा नीचे के साइड। तो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोग बाय और सेल करते हैं। अब इसका चार्ट एग्जांपल भी मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कैसे सेल करते हैं वो मैं बता देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट हो गया हमारा, राइट, इज अवर सपोर्ट एंड ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो मार्केट इसके बीच में मूव कर रहा था, राइट। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने देखो नीचे ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, इसको मैं और बड़ा करती हूँ ताकि आपको सपोर्ट अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखो, इसने नीचे ब्रेक किया सपोर्ट को, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, तो मतलब अब मार्केट कंटिन्यू नीचे ब्रेक करेगा। तो अब इसने ब्रेक किया है तो ऑफकोर्स रिटेस्ट करेगा ही, तो हायर चांसेस हैं कि मार्केट इसी सपोर्ट तक रिटेस्ट करे एंड फिर कंटिन्यू नीचे मूव करे, हायर चांसेस हैं ऐसे होने के। तो लोग क्या करेंगे, फिर वो इस सपोर्ट पे सीधा यहाँ पे अपनी सेल लिमिट एग्जीक्यूट कर देंगे फ्यूचर के लिए, राइट। स्टॉप लॉस वो लगाएंगे सेल के ऊपर, तो मान लो लगभग बीच में यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस यूज लेंगे और टेक प्रॉफिट मान लो इस लो पे ही वो टेक प्रॉफिट यूज लेंगे। तो इस तरह से लोग ट्रेड करेंगे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा रेंजिंग मार्केट में, राइट। यहाँ पे उनका टेक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर देखो इसने आपकी सेल लिमिट को टच कर दिया, इन्होंने सपोर्ट को टच कर दिया, उसके बाद देखो वापस से नीचे आ गया। तो मतलब इस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस बनाया एंड देन फिर नीचे आकर के टेक प्रॉफिट को हिट किया, फिर वापस से ऊपर चले गया, राइट। तो उनका टेक प्रॉफिट हिट हो गया है। तो इस तरह से सपोर्ट ब्रेक होने के बाद लोग इस तरह से ट्रेड लेते हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कैसे ट्रेड लेते हैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ओके, और ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट अच्छे से मूव कर रहा है, और अब हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, तो अब क्या करेंगे लोग, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है तो मतलब मार्केट अब कंटिन्यू मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो अब क्या चांसेस हैं कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, राइट। ऐसा हो सकता है। तो अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही रेंजिंग मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो उस रेजिस्टेंस पे सीधा अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं बाय की, बाय लिमिट, राइट। स्टॉप लॉस वो लगाएंगे यहाँ पे एंट्री के नीचे, यहाँ पे मान लो उनका स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट मान लो यहाँ पे है, राइट। इस तरह से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वो सेट करेंगे। तो अब क्या होता है एंट्री के साथ वो देखते हैं, मार्केट इसी को सपोर्ट बना करके जाता है ऊपर या नहीं। तो यहाँ पे देखो आ गया मार्केट वहां पे और अभी वहीं पे घूम रहा है, फिर देखो ऊपर गया मार्केट, और देखो फिर जाकर के टेक प्रॉफिट को हिट किया। जो रेजिस्टेंस बना था मार्केट लगभग वहीं तक आया और उसी रेजिस्टेंस तक आकर के वापस ऊपर चले गया, राइट। तो इस तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद रेंजिंग मार्केट में बाय किया जाता है। ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उन पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप आगे के वीडियोज़ को मिस ना करो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।